देश पाल शूटआउट मामले में 23 दिन बीत गए हैं, लेकिन आज भी 5-5 लाख रुपए के इनामी 5 शूटर्स पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगे हैं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी व नामजद आरोपी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है। अब उमेश पाल और उसके दो गनर की हत्या मामले में फरार चल रहे शूटर्स के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू और मोहम्मद गुलाम के खिलाफ जल्द बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इनकी अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल अवैध निर्माण को लेकर जारी की गई नोटिस का जवाब ना देने पर ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़े कई अन्य लोगों के खिलाफ भी ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि शूटर गुड्डू का चकिया और राजरूपपुर में करोड़ों का मकान है, जबकि मोहम्मद गुलाम का रसूलाबाद में मकान है। आरोप है कि दोनों के मकान PDA से बगैर नक्शा स्वीकृत कराए अवैध रूप से बनाए गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद CM योगी ने भी विधानसभा में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। अब जल्द बुलडोजर एक्शन होगा। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें OTT इंडिया।